तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ने कमेंट किया था कि नैरो पैंट की मेजरमेंट बताने के लिए, तो देखिए नैरो पैंट की मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि पैंट कहाँ से पहनी जाती है और पूछ लेंगे कस्टमर से, और वहाँ पे इस इंची टेप को रखेंगे और सीधा लंबाई मेजरमेंट करेंगे और कस्टमर से पूछ लेंगे कितना हमें लॉन्ग चाहिए। तो ये देखिए, ये लॉन्ग हम बनाएंगे 35 यानी कि 35 इंच, और लंबाई के बाद जो है हम सीधा कमर का मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए, कमर का मेजरमेंट हम लेंगे। तो ये देखिए, कमर मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है, ये मेरा जो कमर है ये 29 आ रहा है। उसके बाद जो है हम हीप नापेंगे। ये देखिए, ये मेरा हिप है 30। उसके बाद जो है हायरन नाप लेंगे, क्योंकि हायरन बहुत ज्यादा रोल करता है। हायरन जो है ज्यादा पैंट नीचे में लटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल जींस टाइप का आना चाहिए। तो ये देखिए, हायरन मेरा आ रहा है 21। और ये देखिए, थाई जब नापेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, देखिए ये चार उंगली जो है अंदर आनी चाहिए और फिर ये इंची टेप आनी चाहिए। ये देखिए, और उसके बाद जो है इसमें हम लूजिंग देंगे 1.5 इंची का, फिटिंग पैंट में 1.5 इंच लूजिंग देते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा कितना रहा, 17 आ रहा है। तो ये 18 हुआ और ये 18.5 हुआ, तो मेरा जांग 18.5 हो गया। उसके बाद जो है घुटना का मेजरमेंट कर लेंगे। तो ये देखिए, घुटना नापने का सही तरीका है कितने को जो है घुटना पकड़ लेता है। तो इसको हम फिटिंग इस तरीके से नाप लेंगे और कस्टमर को बैठा कर चेक कर लेंगे। बैठ, तो ऐसे हम लोग 13 आ रहा था, और उठो 13 आ रहा था, अब जो है मेरा 15.5 आ रहा है। तो ये 15 पे मेरा फिक्स हो जाएगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ये मोहरी, तो ये नैरो हो जाएगी जितना कम चाहिए उतना। तो ये देखिए, नैरो मोहरी जो है ये 11 है। तो आप देखें कि किस तरीके से नैरो पैंट की हमने मेजरमेंट करके आपको बताया। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। तब तक ये मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।